अम्बाला पुलिस भी उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर अब नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने सहित इस अवैध धंधे की काली कमाई से बनाई संपत्ति जब्त की कार्रवाई करने में जुट गई है। इसी कड़ी में अम्बाला कैंट सदर थाना प्रभारी ने 6 अप्रैल को डेहा मंडी में महिला नशा तस्कर के ठिकाने पर रेड मारकर उसे पकड़ा ही था कि शोर मचाने पर उसके परिजनों और पड़ोसियों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी करके महिला नशा तस्कर को फरार होने में मदद ही नहीं की, बल्कि इस हमले में हाउसिंग बोर्ड चौकी इंचार्ज बलकार सिंह, 2 महिला पुलिसकर्मी सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। इस कार्रवाई में पुलिस ने महिला तस्कर के पति राजेश व बेटे प्रिंस को गिरफ्तार करके उनका अदालत से पुलिस रिमांड लिया था। आज पंजाब पुलिस से सूचना मिलने पर कैंट पुलिस पंजाब के फिल्लौर गई और वहां के डीएसपी और एसएचओ से मिलकर अम्बाला से फरार महिला तस्कर की पकड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, भारी मात्रा में सोने और जेवरात सहित नकदी अपनी कस्टडी में ले ली। कैंट थाना एसएचओ नरेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पंजाब पुलिस से सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी फिल्लौर आई है। उन्होंने बताया कि ये महिला तस्कर काफी समय से नशे का धंधा कर रही है, जो रेड पड़ने पर फरार हो गई थी। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस महिला तस्कर की लोकेशन के आधार पर उसे गिरफ्तार जल्द ही कर लेगी। देर रात सूचना मिली थी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी है जो वो फिल्लौर पुलिस ने पकड़ी है। जब उसका नंबर वेरीफाई किया तो वो हमें एक मामले में वांटेड है, और इस जानकारी पे मैं आज अपने टीम के साथ फिल्लौर थाना में आया हूँ, जहाँ पर मेरी एसएचओ साहब फिल्लौर से और डीएसपी साहब फिल्लौर से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। इन्होंने कुछ नकदी जेवरात वगैरह कब्जे में ले रखे हैं, जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से ये हमारे मामले से रिलेटेड है, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक आगे हम उसको अपने मुकदमा में ट्रांसफर करवाएं। किस मामले में ये वांटेड है? ड्रग के मामले में। कहाँ से ये मामला? अम्बाला कैंट। तो कितना बड़ा ये रैकेट है, ड्रग रैकेट इनका? देखिए ना कि काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री, ड्रग का इनका काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है। इसकी मिसिस जो राजेश एम सी है वो भी ड्रग का काम करती है, राजेश को ड्रग का काम करता है, इसके लड़के ड्रग का काम करते हैं, और एक ये पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ड्रग के एक ये अच्छे क्रिमिनल है। और इनका फ्लोर से क्या रिलेशन है? देखिए अभी ये एक इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, अभी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एक्चुअल में जब कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसका कोई ना कोई लिंक जरूर होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। सर इस तरह कुछ खबरें भी पब्लिश हुई थी, आप परसों भी रेड करने गए थे तो वहाँ पे आपके साथ इनकाउंटर भी हुआ? हाँ, ये जो परिवार है ये पुलिस पे अटैक करने का आदी है, ये पहले भी जब पुलिस इन पर रेड करती है तो, लेकिन अब की बार हमने इनको एक अच्छे सिस्टम से रेड किया, हमने इनकी सारी कॉलोनी सील कर रखी है, स्पेशल नाके लगा रखे हैं, और पुलिस की जिप्सी 24 घंटे रहती है। तो अब की बार हमने इनको कानून की प्रक्रिया के मुताबिक रेड किया और गिरफ्तार किया। इस परिवार से कितनी रिकवरी हुई इस दिन? इस परिवार से उस दिन 260 ग्राम के ग्राम चिट्टा हीरोइन है और 1500 कैप्सूल है, सॉरी नशीली गोली। कितनी हीरोइन की कितनी कॉस्ट होगी अंतरराष्ट्रीय बाजार में? देखिए अब इसके बारे में, क्योंकि जैसा भी जन चर्चाओं पे करीब करोड़ या 1.25 करोड़ रुपए के मुताबिक इसकी कीमत है। और जो फैमिली बाग के फ्लोर आई है इनकी, इनमें ज्यादातर सुनने में आया लेडीज है। हाँ, वो लेडी जो इसकी घरवाली है राजेश एमसी की, जो कि राजेश और राजेश की मिसिज जो गुड्डी है वो ही इस रैकेट को चलाते हैं, तो वो फरार है पुलिस के पास से, उसके लड़के की मिसिज हो सकती है, साथ में उसका लड़का है जो हमें यहाँ इनपुट मिली है,